दोस्तों एक कहावत है, पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा। तो ये निपटा गए, अभी चलते हैं शोले फिल्म शूटिंग लोकेशन पर। नमस्कार दोस्तों, नीरज कुमार व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये है ठाकुर का घर का आंगन, और यहीं पर ठाकुर का घर इस जगह बनाया गया था। दोस्तों जो निन्नी होता है ना, वो यहीं पर ऊपर कबूतरों को मार रहा होता है, चिड़ियों को निशाने लगाकर, और वो सीन मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और उसके बाद गब्बर की एंट्री होगी, वो सभी सीन भी मैं इत्मीनान से धीरे धीरे आपको मैच करके दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो का आनंद ले दोस्तों, और करते हैं वीडियो को शुरू। ये वो लोकेशन है दोस्तों जहाँ पर निन्नी चिड़ियों को मार रहा था, और गोली चलाने के बाद उसका निशाना चूक जाता है, तो उनका जो भतीजा होता है वो कहता है, लो फिर चूक गए यार चाचा तुम तो। और यही सीन है, इसका थोड़ा सा यहाँ से जूम हो जाता है फिर बाद में इस तरह से, और फिर यहाँ पे वो बैठे रहता है, और यहाँ कंधे के पीछे थोड़ा सा ये पत्थर का डिज़ाइन आपको दिखाई देगा, ये देख लीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल वैसे ही करना ज़रूरी नहीं है। ये सीन है दोस्तों, यहाँ से सामने घर दिखाई देता है, ये देखिए, ये पहचान है ठाकुर के घर की, और निन्नी और उनका जो वो बेटा होता है, सबका घर सामने ही होता है बिल्कुल, ये इस पहाड़ी के नीचे, और ये नज़ारा देखिए, ये बिल्कुल गेट के ऊपर का नज़ारा है, जो गेट होता है ठाकुर का यहाँ पे, क्योंकि तो इसी पत्थर के पास से दिखाया जाता है गेट, जब धन्नो का और उसका बसंती का तांगा आता है, यही वो नज़ारा होता है जहाँ से जय भीरू को शुरू में बसंती लेकर आती है, तो इसी पत्थर के ऊपर चाचा कहते हैं, जा अपनी मम्मी से बोल दे, भाभी से बोल दे, तैयार हो जा जल्दी स्टेशन चल। ये पत्थर भी दोस्तों फिल्म में सामने दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं इस पत्थर में ये गड्ढा कई बार दिखाया गया है, और आज मैं इसके पास ही पहुंच गया बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप पास से अच्छे से, और यहाँ पे एक दीवार भी दिखाई जाती है दोस्तों सामने ना इसके नीचे। अरे वाह, ये दीवार तो बनी हुई है, अभी भी मैं नीचे से दिखाता हूँ अभी आपको दोस्तों। यहाँ पे ना ये दीवार बनाई गई थी उस टाइम, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसमें ये दीवार पूरी दिखाई देगी। यहाँ से ये दीवार पूरी दिखाई देती है, वो पत्थर सामने और फिर ये दीवार पूरी की पूरी, ये थोड़ा पीछे दूर से दिखाई जाती है वहाँ से, लेकिन पेड़ बहुत ज़्यादा हैं तो आपको सीन मैच नहीं हो पाएगा, आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे निर्मला कपड़े सुखाती रहती है, और जो अभी मैंने दीवार आपको दिखाई, ये पूरी दीवार वहाँ तक गई हुई है आगे तक, ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा ठाकुर के घर का जो आंगन था, पार्क था, उसमें बाग बन गया पूरा, पेड़ इतने हो गए बहुत ज़्यादा। और दोस्तों इस साइड में जो ये रास्ता सा आपको दिख रहा है, ये रास्ता नहीं है दरअसल, ये पत्थर ही है, ये भी पूरा एक बड़ा पत्थर यहाँ से ऊपर की तरफ गया हुआ है, और यहाँ से सामने की तरफ जो पहाड़ है वो पहाड़ ऐसे नीचे आके यहाँ नीचे डाउन हो गया बिल्कुल, पेड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा साइड में। गब्बर की एंट्री से पहले का जो यहाँ का शांत नज़ारा था, कोई कपड़े सुखा रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, कोई मंदिर जा रहा था, इतने अच्छे घर को गब्बर ने बस 2 मिनट बाद ही उजाड़ दिया था,
निन्नी उससे पहले थोड़ी सी ऊपर गड़बड़ कर रहा था, चिड़िया विड़िया को मार रहा था बहुत ज़्यादा, आवाज़ें गोलियों के नीचे आ रही थी। हम तो उसी आवाज़ से डर गए थे, मगर गब्बर तो नहीं आ गया, लेकिन पता चला कि एक मिनट बाद गब्बर सच में ही आ गया। और यहाँ आकर गब्बर सिंह के पीछे का नज़ारा दिखाया जाता है, चलिए चलते हैं ऊपर, पूरा नज़ारा ये होता है दोस्तों उस वक्त। अभी काफ़ी घर बन गए, बीच में एक हाईवे भी आपको दिखाई देगा। ये मैसूर और रामनगर से मैसूर के लिए नया हाईवे निकला है, और ये गब्बर के अड्डे के बिल्कुल पीछे से ही निकला है। गब्बर का अड्डा बिल्कुल वैसे का वैसा है, उसकी भी वीडियो आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। जो वो लड़का होता है वो यहाँ गब्बर की जगह पे फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ, तो एक बार वो देखता है मकान के पीछे की तरफ जहाँ पर डाकू खड़े होते हैं इस तरफ, ये यहाँ का नज़ारा दिखाया गया है जब डाकू पीछे की तरफ खड़े होते हैं। पेड़ के जो घर है ना, घर की छत दिखाई देती है स्क्रीनशॉट में, और उसके पीछे यहाँ पर डाकू खड़े होते हैं। और इसका पूरा नज़ारा अगर मैं दिखाऊँ तो ये पीछे जो गुंबद है इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैं हाइट पर आया हूँ, नीचे से ये सीन था तब आपको है वो दिखाई नहीं देता ऊपर के, ये और ये दो गुंबद पहाड़ के, और ठाकुर का ये जो घर के पास में जो गुंबद था ये तो लगता ही बहुत प्यारा है। ये शोले पिक्चर की पहचान है, ठाकुर के घर की पहचान। और दूसरी तरफ जब वो लड़का देखता है दोस्तों, इस तरफ देखता है, यहाँ पर शायद एक पत्थर आपको दिख जाए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँगा, फिर एक पत्थर यहाँ पे ये पीछे दिखाई देता है, इस पर भी डाकू खड़े होते हैं। वो लड़का यहाँ से दो नज़र मारता है, एक बार इस पहाड़ पे इधर ये जो पत्थर है इस पर डाकू खड़े होते हैं, और एक नज़र फिर इस पहाड़ पे मारता है इधर, ये थोड़ा सा ये डिज़ाइन दिखता है, और फिर यहाँ से ये पहाड़ पूरा दिखाई देता है, इस पर भी डाकू खड़े होते हैं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये रामदेवरा बैठा है। एक बार दो यूट्यूबर आए और ऊपर रामदेवरा बेटा पर जाकर खड़े हो गए, शोले फिल्म की शूटिंग लोकेशन के लिए वो आए थे, और कहने लगे यार कहाँ है शोले लोकेशन, तो दूसरा कहता है हमें ना पता कहाँ है शोले गब्बर वब्बर का अड्डा। अच्छा शोले जब शूट हुई होगी सतेंद्र भाई, तो गब्बर का ठिकाना कहाँ रहा होगा? यार कुछ मालूम ना पड़ रही कहाँ है गब्बर वब्बर का ठिकाना। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार इतने ऊंचाई पे तो घोड़े चढ़ जाएंगे, घोड़े चढ़ जाएंगे इतनी ऊंचाई तक। अरे घोड़े तो कहीं चढ़ गए भाई, नीचे जैसे वो लड़का खड़ा रहता है तो गब्बर का घोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है, और इधर से आप देख सकेंगे जब घोड़ा पूरा नीचे आ जाता है, ये पत्थर दिखाई देते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं सेम वही पत्थर हैं, और काफ़ी भारी पत्थर हैं, इनको हिलाना बहुत मुश्किल है, अपनी जगह पर वैसे के वैसे जमे हुए हैं सेम वही पत्थर 100%, क्योंकि मैं पास जाके चारों तरफ से इन पत्थरों का मुआयना किया है। तो लोकेशन पे आ रहे हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये गोलाई में है, और एक की टक्कर सी टूटी हुई है नीचे और तिकोना सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो निन्नी डेथ लोकेशन होती थी, और उनके पूरे परिवार को यहीं पर गब्बर सिंह ख़त्म कर देते हैं, उसी की लोकेशन अभी मैंने आप लोगों को सारी दिखाई है। दोस्तों गब्बर सिंह यहाँ आकर ठाकुर के पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं, और इतना अच्छे से वो परिवार यहाँ रह रहा था आराम से, लेकिन ये पूरा जंगल है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ परिवार ही था, एक रामलाल के अलावा कोई यहाँ सिक्योरिटी में भी नहीं था। और ठाकुर जो है वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, वो घर आ रहे होते हैं उस टाइम, उसी टाइम गब्बर आकर जेल से, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कोई जेल ऐसी नहीं है जो गब्बर सिंह को 20 साल तक रोक सके, और जेल से निकलते ही उनका घोड़ा सबसे पहले यहाँ पर इस चट्टान पर खड़े हुए दिखाई देता है। और यहीं के मैंने सारे सीन आपको दिखाए, निन्नी जिस जगह पे पत्थर पे खड़ा होता है वहाँ भी मैंने खुद खड़ा होकर आप लोगों को एक्ट कर दिखाया। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। अभी मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों।